आप देख रहे हैं झारखंड टुडे और मैं हूं गुंजन कुमार। बता दें कि खूंटी जिले के इतिहास में आज पहली बार खूंटी क्लब में डांडिया नृत्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे इस परिसर में काफी साज सज्जा है, सजावट का काफी व्यवस्था किया गया है और यहाँ हजारों की संख्या में आज लोग उपस्थित हुए हैं और कलाकार जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लोग नृत्यों पर थिरक रहे हैं। इस बीच हमारे साथ जो है इस पूजा समिति के, बता दें कि सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा यह आयोजन किया गया है और आज यहां जो है इस डांडिया नृत्य में खूंटी शहर के हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। हम इन तमाम विषयों को लेकर पूजा समिति के एक सदस्य राहुल मिश्रा जी हमारे साथ हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर यह नृत्य खूंटी जिले के इतिहास में पहली बार नृत्य का आयोजन किया गया है, इनके पीछे क्या सोच था, क्या उद्देश्य था, कहां से ऐसी सोच इन लोगों के इन लोगों के बीच आया जो इस नृत्य का आयोजन किया गया, क्योंकि खूंटी में अब तक इससे पहले कभी भी इस प्रकार का कोई आयोजन नहीं हुआ था। तो हम राहुल मिश्रा जी से जानने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार का ये जो आकर्षक ये काफी अच्छा आयोजन किया गया है, ये आखिर किस प्रकार से इनके समझ में, इन लोगों के दिमाग, इन लोगों के सोच में आया जो इस प्रकार का आयोजन किया गया जो काफी खूबसूरत आयोजन कहा जा सकता है, क्योंकि खूंटी में ये पहला ऐसा मौका है। तो हमारे साथ राहुल जी हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। आइए राहुल जी से बात करते हैं। राहुल भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका झारखंड टुडे पे। नमस्कार गुंजन जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आज यहाँ देख रहे हैं हजारों की संख्या में भीड़ लगी हुई है और ये जो है आज डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया है, किस प्रकार से आप पूजा समिति, क्योंकि आप पूजा समिति के सदस्य हैं, तो कैसे इस ये उस बात जो है उभर के सामने आई है? सबसे पहले तो गुंजन जी आपको धन्यवाद, जिस तरह से आप खूंटी में झारखंड टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से जो है खूंटी के समसामयिक घटनाओं पर लोगों से रूबरू कराते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप जैसे कि देख सकते हैं खूंटी में पहली बार डांडिया नृत्य का आयोजन हुआ है और खास करके युवाओं में डांडिया नृत्य को लेकर के काफ़ी क्रेज देखा जा रहा है और हम लोग जब बड़े शहरों टीवी के माध्यम से या समाचार पत्रों के माध्यम से डांडिया नृत्य के बारे में आयोजन के विषय में सुना करते थे तो हम लोगों के कभी मन में लगा करता था कि काश खूंटी में भी डांडिया का आयोजन होता, लेकिन हमारे मन में एक डर भी था कि लोग यहाँ पर इसको किस तरह से लेते हैं, हम लोगों को सफलता मिलती है कि नहीं, और जिसके कारण जो है इस बार हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस दुर्गा पूजा समिति जो है खूंटी क्लब में डांडिया नृत्य का आयोजन कर रही है और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से युवाओं ने, महिलाओं ने, युवकों ने डांडिया को जो है सर आंखों पे बिठाया है और प्रोग्राम को सफल बनाया है, इससे आने वाले समय में और भी बृहद रूप से जो है आयोजन करने के लिए हमें प्रोत्साहित कर रहा है और आगे भी हम लोगों जो है ये कार्यक्रम को जारी रखेंगे। खूंटी जिले के इतिहास में जब से खूंटी जिले का गठन हुआ है तब से, इससे के पहले भी हमें लगता है कि इस प्रकार का आयोजन नहीं हुआ होगा, खूंटी जिला बनने के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया गया है। पूजा समिति आखिर किस प्रकार से इस सोच को उपज किए, कहां से कैसे इनके सोच में आया कि इस प्रकार का आयोजन किया जाना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से नवरात्रि के अवसर पर डांडिया का आयोजन का खबर हम लोगों को मिलता रहता था और हम लोगों के बीच में भी चाहत थी कि खूंटी में भी इस तरह का प्रोग्राम हो और जिसको लेकर के जो है सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति नेताजी चौक जो है इस बार छोटे आयोजन से जो है इसको प्रारंभ किया है, लेकिन जिस तरह से लोगों ने इसको स्नेह दिया है और जिस तरह से लोग जो है ये प्रोग्राम में शरीक हुए हैं, इससे जो है हमारा उत्साह और भी बढ़ गया है और आने वाले समय में और भी बृहद पैमाने पर जो है प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने भी काफ़ी मदद किया है, आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी जो है सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं और यहाँ के युवाओं का, यहाँ का महिलाओं का, यहाँ के युवतियाँ जो है
काफी डिसिप्लिन भाव से जो है काफी अनुशासन तरीके से कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। इसके लिए खूंटी की जनता को जो है हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और समिति के हमारे बिक्की जी है, इनसे भी आप इसके विषय में थोड़ा जानकारी ले सकते हैं। अब बिक्की जी से बात कीजिए। थैंक यू राहुल भैया, आप बहुत बहुत जानकारियां इन्होंने उपलब्ध कराई है, क्योंकि ये डांडिया नृत्य का जो कार्यक्रम है ये खूंटी जिले के इतिहास में पहली बार ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम पूजा समिति के एक मेंबर हैं हमारे साथ, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिर आपके समझ आपके सोच में कैसे इस प्रकार की भावनाएं जगी जो आपने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो सबसे पहले तो आपका झारखंड टुडे पे बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। तो सर आप हमको बताइए कि ये जो आप लोगों के समिति के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आखिर आप लोगों के मन में कैसे ये भावनाएं जगी किस प्रकार का नृत्य खूंटी जिले में भी होनी चाहिए। देखिए ये सब बड़े बड़े शहरों में अक्सर होते हैं, तो हमने सोचा कि हमारे शहर खूंटी में भी हो, पहली बार है। यहाँ की महिला लोग भी बहुत जगह का न्यूज के माध्यम से टीवी में देखती थी, तो हमने सोचा एक बार हम ये प्रोग्राम खूंटी में अपने पूजा समिति सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति नेताजी चौक खूंटी के तत्वावधान में कर सके। इसके लिए हमारे समिति के सभी सदस्य, अध्यक्ष, महामंत्री, संरक्षक, सदस्य प्रभारी, मैं खुद बिक्की गुप्ता, बिक्की राहुल सिंह जी सबने विचार किया और बोला खूंटी में एक बार होना चाहिए। यहाँ की महिलाएं, हमारी बहन माताएं सब चाहते हैं कि खूंटी में इस तरह का आयोजन हो, यहाँ का लुक छुपाए। इसी कारण हमने सोचा एक बार हमारे जिला खूंटी में भी हमारे पूजा पंडाल के सभी ये प्रोग्राम हो। थैंक यू। जरा अपना नाम भाई बता दें। मेरा नाम बिक्की गुप्ता है, मैं सदस्य प्रभारी कमेटी का पूजा समिति। ये पूजा समिति के सदस्य थे बिक्की गुप्ता जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे। खूंटी जिले के इतिहास में पहली बार आप देख पा रहे हैं नृत्य, डांडिया नृत्य का आयोजन किया गया है। ये अब तक बड़े बड़े शहरों में होता आया है, खूंटी जिले जैसे खूंटी जैसे शहरों में ये पहली बार ऐसा आयोजन किया गया है जहां आप डांडिया नृत्य देख पा रहे हैं। काफी संख्या में यहां हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, महिलाएं हो, पुरुष हो, चाहे वो लड़के हो, हजारों की संख्या में यहां लोग पहुंचे और डांडिया नृत्य का आयोजन करते हुए आप देख पा रहे हैं। हम इस विषय पर जरा डांडिया नृत्य में जो भाग ले हुए हैं महिलाएं हो, लड़कियां हो, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। कैसा मन अनुभव कर रहे हैं आप लोग पहली बार खूंटी जिले में इस आयोजन में हिस्सा लिए? हाँ पहली बार है, बट ये इतना अच्छा हो रहा है कि लग नहीं रहा है कि पहली बार है, ये बहुत अच्छा आयोजन किया गया। तो आप लोगों को काफी आनंद आ रहा होगा? बहुत बहुत। तो देखिए हमें आनंद आ रहा है काफी। हमारे साथ अभी पूजा समिति के सदस्य अनूप जी भी आ गए हैं, हम अनूप जी से जानना चाह रहे हैं कि अनूप जी आप चूंकि पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, आप लोगों के समझ में सोच में ये कैसे उपज हुआ कि खूंटी जिले में भी इस प्रकार के नृत्य का आयोजन किया जाना चाहिए? हम लोग देखते हैं कि नवरात्र में डांडिया का बहुत ज्यादा प्रचलन है, लेकिन हम सब आज खूंटी झारखंड छोड़कर नागपुर का बासिंदा होते हुए आज तक हम लोग, लेकिन हम आज माँ भवानी की कृपा से यही प्रार्थना करेंगे पहली बार ये डांडिया प्रोग्राम किए सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति तमाम दर्शनार्थियों जो हमारा पूजा समिति में अपना भरपूर सहयोग दिए, इसके लिए जितने भी डांडिया डांसर हमारे पूजा समिति में आए हम सभी को सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के तमाम पदाधिकारी ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, जय माता दी बोलते हैं सभी माताओं को, बहनों को। सुरक्षा का क्या व्यवस्था है? सुरक्षा के व्यवस्था में हमारे जिला प्रशासन और सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के तमाम पदाधिकारियों और आप सब खुद अपने नजर से देख रहे हैं कि व्यवस्था किस तरह संचालन हो रहा है सर। आज हमारे इस पूजा आयोजन में का मुख्य अतिथि राखी कच्छप नगर पंचायत के उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद कंचन माला जी और विमला जी के सहयोग से ही आज हम लोग उनको बनाए थे कि महिलाओं का प्रोग्राम है, महिलाओं मुख्य अतिथि रहेंगे और हमारे सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के सभी पदाधिकारी सिर्फ आयोजन समिति को सुचारू रूप से चलाने में अपना भरपूर सहयोग किए। धन्यवाद अनूप जी। ये थे इस आयोजन समिति के यानी इस पूजा समिति के अध्यक्ष अनूप जी हमारे साथ थे अभी, हालांकि इन्होंने पूरी जानकारी तो उपलब्ध करा दी।
हम इस डांडिया प्रतियोगिता में भागने वाले कुछ प्रतिभागियों से भी बात करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे आखिर इन लोगों को किस प्रकार से आनंद आ रहा है। थैंक यू अनूप जी। हम जानने का प्रयास करते हैं कुछ प्रतिभागियों से कि आप लोग हमारे पास आप लोग फोटी जिले में शायद यह पहली बार ऐसा आयोजन किया जा रहा है, आप लोग किस प्रकार से इसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इससे पहले आप लोग कभी ऐसा सोचे थे कि खूंटी जिले में भी इस प्रकार का आयोजन किया जाए? नहीं, पहली बार है और अच्छा है। हमें प्रतिभागियों से भी बात कर रहे थे तो पहली बार खूंटी जिले में इस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है तो इस प्रकार से प्रतिभागी भी बहुत खुश हैं हमारे साथ हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। खूंटी जिले में इस प्रकार से पहली बार आयोजन किया गया है, सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा पहली बार डांडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो नमस्ते सब कोई को, हैप्पी दुर्गा पूजा। ये है ऊपर चौक, नेताजी चौक ऊपर चौक जो है वहाँ पे खूंटी क्लब है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम खूंटी में डांडिया का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ के अध्यक्ष अनुप भैया इधर देखिए, पहले अध्यक्ष जी है, ये ऊपर चौक नेताजी चौक है, अधिकतर योगदान इन्हीं का है इसको करने में। और इस बार बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा में गरबा डांस, क्योंकि कोरोना काल में 2 साल हम लोग कर भी नहीं पाए हैं। अभी साफ कोई डांडिया के माध्यम से महिला लोग सारा कसर पूरा कर रही है और उम्मीद है कि भैया लोग का ऐसे ही अगर रहे सब कुछ योगदान तो आने वाले समय में डांडिया बहुत हाई लेवल में किया जाएगा। इस बार स्टार्टिंग है, जितना कोशिश रहा ये स्टार्टिंग था, आगे आप लोग ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में और भी भव्य तरीके से हो? बिल्कुल बिल्कुल, इसको हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे सर। जिस तरह से दुर्गा पूजा का शुभारंभ किया गया था हमारे पूर्वजों के द्वारा, जिस तरह से वैसे ही यह एक इतिहास हो गया कि आज से डांडिया डांस शुरू हुआ, आने वाले समय में हमेशा होगा ये डांडिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ कुछ डांडिया प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी और अध्यक्ष जी भी थे अनूप जी, काफी अच्छे तरीके से यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। हम अभी और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। हमारे साथ प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कुछ प्रतिभागी हैं, मैडम से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ बात करते हैं, खूंटी के इतिहास में पहली बार डांडिया प्रतियोगिता का ये आयोजन हुआ है, किस प्रकार से आप लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बहुत दिन के बाद हम लोग खूंटी में पहली बार हो रहा है डांडिया, बहुत खुश है, बहुत बहुत ज्यादा ही। भविष्य में ऐसा ही इससे भी अच्छा प्रतियोगिता हो, इसके लिए क्या कामना है आप लोगों का? क्या अगला साल इससे अच्छा, इससे ज्यादा हम लोग एंजॉय करेंगे। चलिए थैंक यू, एंजॉय करिए। ये प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार जी भी हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि खूंटी के इतिहास में पहली बार डांडिया नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, इस बारे में आप लोग किस प्रकार से कामना करते हैं, किस प्रकार से आप उम्मीद करते हैं कि भविष्य में और भी इससे बेहतर हो? अद्भुत अद्वितीय है ये आयोजन। समिति को भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूंगा कि खूंटी की माता बहनों को एक भक्तिमय माहौल देने का एक नया जो ऑप्शन तैयार किया गया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भविष्य में इससे भी बेहतर हो, इसके लिए कुछ भविष्य की नीति? अभी आयोजन समिति के साथ बात हो रही थी, इसमें भविष्य के लिए उनके पास अच्छी नीति का वो लोग उद्घार किए हैं, जिसमें हर संभव प्रयास जो हम लोग के स्तर में होना है वो भरसक प्रयास किया जाएगा कि ये आयोजन भव्य और अलौकिक हो। ये झारखंड में ये इस तरह का आयोजन होते रहे, ये मैं कामना करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार जी, इन्होंने भी भविष्य में बेहतर कार्यक्रम हो इस प्रकार का ऐसी कामनाओं के साथ इन्होंने भी अपना संदेश, अपना वक्तव्य जाहिर, अपना मंतव्य जाहिर किया। हमारे साथ अभी सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के उपाध्यक्ष सौरभ जी हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर खूंटी जिले के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया गया है, इस पूजा समिति के सदस्यों को कैसे ये सोच आया, कैसे से इस बात को समझे कि इस प्रकार का आयोजन किया जाना चाहिए?
देखिए दुर्गा पूजा का जो त्योहार है वो शक्ति का त्योहार है, शक्ति की उपासना का त्योहार है, और पूरे आयोजन में हम शक्ति का कैसे नवरात्र के दौरान भागीदारी बढ़े इसके लिए, जैसे खूंटी एक जानते हैं छोटा सा जिला है, इस तरह का आयोजन बहुत कम होते हैं, तो समिति की एक सोच रही कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस प्रतियोगिता में शामिल करें और वो भी पूरे नवरात्रि को अच्छे से इंजॉय करें, अपने फैमिली के साथ आए, इसलिए इस तरह का आयोजन हम लोगों ने किया है। भविष्य के लिए क्या रहेगी? आने वाले समय में हम इससे भी भव्य डांडिया नाइट आयोजित करेंगे। आने वाले समय में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति बड़े स्तर पर बड़ा आयोजन करेगी और ये आयोजन 2 से 3 दिनों का होगा। इस बार तो हमने बहुत कम समय में लोगों को सूचना दिया गया और एक ही दिन का आयोजन रहा, लेकिन आने वाले समय में इसे हम बहुत लंबे समय तक के लिए बढ़ाएंगे। चलिए धन्यवाद सौरभ जी। ये थे सौरभ जी हमारे साथ अभी पूजा समिति के उपाध्यक्ष। हम इनसे कुछ जानने का प्रयास किया कि इस बार इन्होंने बताया कि बहुत कम समय में लोगों को जानकारी दी और इस प्रकार का आयोजन किया गया जो आप हमारे पीछे देख पा रहे, लेकिन भविष्य में और भी बेहतर तरीके से इस कार्यक्रम को का आयोजन किया जाएगा ये इन्होंने बताया। तो हम खूंटी जिले की इसी प्रकार की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। तो देखते रहिए खूंटी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। और हाँ, आप अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर जरूर कीजिए ताकि हम खूंटी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें जो है आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो चलिए अब तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।